गुड मॉर्निंग बच्चों, आज फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला पढ़ लिए थे प्रकाश के परावर्तन, आज दूसरा स्टार्ट करेंगे प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चलिए आइए, तो आपका हेडिंग है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश की अपवर्तन होता है क्या। तो हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के बारे में ये पढ़े थे कि जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से, मान लीजिए कोई परावर्तक सतह, तो जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौट जाता है, किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौट जाता है, मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण पर जैसे प्रकाश किरण पड़ता है क्या होता है, टकरा करके लौट जाता है, जैसे जिस एंगल से भेजेंगे उस एंगल से लौट जाएगा। तो जब प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके लौटता है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, आइए यहां समझते हैं, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से मतलब हुआ कि मान लीजिए ऊपर ये हवा है और नीचे ये पानी है, इससे ऊपर हवा इससे नीचे पानी, तो जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम के घनत्व एवं अपवर्तनांक के कारण प्रकाश किरण अपनी दिशा से विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित होने की इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश किरण ये है, इसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन सीधा गया नहीं, ये अपनी दिशा से विक्षेपित हो गया, तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। लेकिन परावर्तन क्या होता था, अगर ये परावर्तक सतह रहता तो प्रकाश किरण आता है सतह टकरा करके लौट जाता, तो उसको बोलते प्रकाश का परावर्तन। लेकिन यहाँ पारदर्शी माध्यम है ना कि अपारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या, जिससे होकर प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाता है उसको पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिससे हवा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये पारदर्शी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब माध्यम के घनत्व, दोनों का घनत्व अलग अलग है, तब माध्यम के घनत्व एवं अपवर्तनांक के कारण उसके दिशा में विक्षेपण होता है, दिशा वो बदल लेता है, परिवर्तित कर लेता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। ठीक, इसमें तीन केस है, हम लोग पहला केस लिखे है, दूसरा केस लिखा है, तीसरा केस। पहला केस समझते हैं, पहला केस क्या कर रहा है, ये जो है आपका ये वाला ऊपर वाला हवा ये है विरल माध्यम, नीचे वाला जो पानी है ये है सघन माध्यम। तो विरल माध्यम किसको बोलेंगे, सघन माध्यम किसको बोलेंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। विरल माध्यम होता है क्या, दो माध्यम में जब तुलना करेंगे तब पता चलता है कि कौन विरल है कौन सघन है। तो दो दिए गए माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा, दो दिए गए माध्यम में से जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगा उस माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे, लेकिन दो दिए गए माध्यम में जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उसको बोलेंगे हम लोग सघन माध्यम। यानी कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम गति से, धीमी चाल से चलेगा, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल तीव्र गति से चलेगा। बात को समझ गए, आइए तो पहला केस क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, किससे, विरल से सघन में, जैसे इस माध्यम से इसमें प्रवेश कर रहा है, ऊपर हवा है नीचे पानी है, तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब वो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा, उसको जाना चाहिए सीधा, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। पहला केस यही कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस माध्यम का घनत्व उस माध्यम की अपेक्षा इसका घनत्व ज्यादा है, इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। दूसरा केस कह रहा है, जस्ट इसका उल्टा है, दूसरा केस अपोजिट है, जस्ट उल्टा होता है, उसमें हम बताए प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसमें क्या है, प्रकाश की किरण जो है इसमें सघन से विरल में जा रहा है, ये सघन माध्यम, ये पानी है, ये हवा है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अपवर्तित किरण जो है ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर भाग जाता है, इसको अभिलंब बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भाग जाता है। दूसरा कंडीशन ये है, इसलिए दूर भाग जाता है क्योंकि इस माध्यम का घनत्व जो है इस माध्यम के घनत्व की अपेक्षा कम है, जिस कारण ये अभिलंब की अभिलंब से दूर भाग गया। तीसरा केस क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी सतह पर लंबवत पड़ता है, लंबवत का मतलब 90 डिग्री पर पड़ता है, तो बिना अपवर्तन का सीधा वो पार कर जाता है, बिना अपवर्तन का, बिना विक्षेपण का वो सीधा पार कर जाता है। तो वही तीन केस आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक,
आपको स्पष्ट अगर दिखाई नहीं देता है बच्चों, तो आप करेंगे क्या, आपके कोना में इस तरह का तीन बिंदा होगा। अब जैसे YouTube खोलिएगा तो वहाँ तीन बिंदा, उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका क्वालिटी बढ़ाने वाला ऑप्शन है, तो वहाँ आप क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो को देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा साफ। आइए अगला, अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम भी प्रकाश के परावर्तन होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े, जबकि ये दोनों प्रकाश के अपवर्तन के नियम और प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पेपर में ये सीधा सवाल आता है, ये दोनों क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम थे और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम थे। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम लोग पढ़े थे, थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते पीछे वाले को। प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े थे, मान ली अगर ये दर्पण है, समतल दर्पण है, तो प्रकाश किरण आ रहा है तो आने वाली किरण को आपतित किरण, और सतह से टकरा करके लौट गया तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और इसी बीच में एक लंब डालते हैं हम लोग, अभिलंब, ये नॉर्मल का काम करता अभिलंब। तो यहाँ भी एक कोण बन रहा है, यहाँ भी कोण बन रहा है, यहाँ जो कोण बन रहा है आई है, यहाँ बन रहा आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये जो आ रही प्रकाश किरण, तो इसको आपतित किरण, सतह टकरा के लौटती है तो परावर्तित किरण। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम में पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस बिंदु पर, इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में या तीनों एक ही समतल में होता है। यानी कि पहला नियम कह रहा है क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। अब प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है, यहाँ आइए देखते हैं। इसका पहला नियम क्या कह रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, वहां बोलते थे आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ बोलना है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये जो अभिलंब डाले इस बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो पहला नियम से हम उसी की तरह है, वहां सिर्फ अंतर क्या है, वहां बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण बोल देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और इस आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या कहता है उसका, दूसरा नियम कहता है उसका आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, ये कोण इसके बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन इसका प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम इसका कहता है किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए, किसी खास एक वर्णी प्रकाश से मतलब हुआ कि किसी खास एक रंग के प्रकाश के लिए, तो किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया का मतलब यहाँ कोण बन रहा है, इसको बोलते हैं साइन आई, जया का मतलब साइन होता है, जया का मतलब साइन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, जया का मतलब साइन आई, ये कोण बन रहा है आपतन कोण की जया, और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का मतलब ये नीचे वाला अपवर्तन कोण की जया, तो किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, और इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसी नियत मान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, दूसरा नियम यही है। दूसरा नियम आपका क्या कह रहा है, किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, यानी कि आपतन कोण की जया का मतलब हुआ साइन आई और अपवर्तन कोण की जया का मतलब हुआ साइन आर, तो किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया ये, और अपवर्तन कोण की जया ये नीचे वाला, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, यानी कि ये कांस्टेंट होता है, इसी नियतमान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसी नियतमान को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेपर में पूछता है सीधा कि स्नेल का नियम क्या है लिखे, अगर स्नेल का नियम क्या है लिखे पूछेगा तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देना है, उसमें क्या कहता है स्नेल का नियम, कार्य किसी खास एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियत होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है, इसे ही माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, साथ साथ इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, लोग अगला है आपका अपवर्तनांक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है।
तो अपवर्तनांक होता है शून्य में प्रकाश की चाल, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल या हवा में प्रकाश किस गति से चल रहा है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किस माध्यम में उस प्रकाश को गुजारेंगे, किस माध्यम से ले जाएंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल यहाँ लिखे हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित करते हैं और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी से सूचित करते हैं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल जैसे हवा में शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, वही निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम से मतलब हुआ कि कोई दूसरा माध्यम ले लेते हैं निर्वात के अलावा, यानी कि पानी ले लेते हैं या कांच ले लेंगे, कोई भी माध्यम ले लेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बोलते हैं हम लोग अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक को सूचित करते हैं किससे, म्यू से। यहाँ लिखा हुआ आपका म्यू से सूचित करते हैं, म्यू बराबर सूत्र हो गया सी बटे भी। सी का मतलब हुआ निर्वात में प्रकाश की चाल, अभी का मतलब हुआ किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इन दोनों के अनुपात को हम लोग बोलेंगे क्या, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक, आइए कुछ यहाँ स्टार पॉइंट है, वैसे भी हम लोग आगे पढ़े हैं। पहले निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, या अगर वही पूछेगा मीटर में तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 2.25×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। कांच में प्रकाश की चाल होता है 2×10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये दोनों तीनों पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए एक और स्टार पॉइंट आपके सामने हम यहाँ लिखे हैं, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब उसका वेग एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन रंग एवं आवृत्ति नहीं बदलती है। मतलब ये हुआ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम का मतलब हुआ कि मान लीजिए प्रकाश की किरण को हवा से पानी में ले जा रहे हैं, या हवा से कांच में ले जा रहे हैं, या कांच से हवा में लेकर आ रहे हैं, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश करेगा, तो जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ले जाएंगे तो उसका वेग एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा। क्या क्या बदलेगा, वेग एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाएगा, लेकिन प्रकाश के रंग एवं आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश के वेग एवं तरंग दैर्ध्य इसलिए बदल जाता है, हम लोग पढ़े थे 9th में एक चीज, वी बराबर एन लैम्डा होता है, वी बराबर एन लैम्डा, वी हो गया वेग, ये लैम्डा हो जाता है तरंग दैर्ध्य। तो जैसे ही ये वेग बदलेगा तो ये तरंग दैर्ध्य भी बदल जाएगा। तो इसीलिए जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो वेग एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, लेकिन प्रकाश के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। रंग जिस रंग का है उसी रंग का रहेगा, और आवृत्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। चलिए तो बच्चों, आपका ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर का ये पहला क्लास था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में लिखें कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तब पर भी कमेंट में लिखिए, या क्या समस्या आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रहा है कमेंट में लिखिएगा, तब आपकी समस्या को हम समझ पाएंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा तो हम बताए थे कि वहाँ 3 बिंदा इस तरह रहेगा, उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपको नीचे क्वालिटी दिखाई देगा। तो क्वालिटी में आप क्या करिएगा, 360 या उससे अधिक बढ़ा करके इस वीडियो साफ दिखाई देगा, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं और रोक करके उसको अच्छे से अपने कॉपी में उतार लेंगे। ठीक बच्चों, तो चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं हम लोग। थैंक यू, अगले दिन फिर हम लोग आएंगे। थैंक यू।